पंचायत की चर्चा करते करते आज हम भरगो पंचायत पहुंचे हुए हैं। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, अगर अमरपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रत्याशी इस भरगो पंचायत में, लगभग 17 कैंडिडेट हैं, 17 प्रत्याशी हैं यहाँ, और सब एक दूसरे पर हावी होने के लिए तैयार है। एक हमारे पास प्रत्याशी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जब क्षेत्र में जाते हैं तो किस प्रकार से जनता को अपनी ओर रुझाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? दिवाकर झा। दिवाकर जी, अच्छा ये बताइए, आप अभी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता के बीच कौन सा ऐसा विकास का मुद्दा रखते हैं जिससे कि जनता आपकी ओर लाभान्वित होती है, रुझान आपकी तरफ होता है? जी, जनता के ऊपर तो मैं जाता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरा कोऑपरेटिव है जो मृत प्राय है, और यहाँ के जो रोड हैं, नाली हैं, यहाँ पे जितने भी कच्ची गली वगैरह है सब ऐसे पड़ा हुआ है, दूर कीचड़ में जनता को चलना पड़ता है, इसलिए मैं तो उसका विकास करूँगा। अच्छा, जब जीत के जाते हैं सत्ता में, मुखिया पद पर आते हैं, तो क्या आप जैसे कॉपरेटिव बोले और स्वास्थ्य केंद्र है, ये सब को क्या सुचारू रूप से चला पाएंगे? एकदम सुचारू रूप से चलाऊंगे। बिल्कुल वादा झूठ नहीं होगा? वादा झूठ नहीं होगा। अच्छा, आपके गांव में अभी इधर मरको से आ रहे थे तो रास्ते में एक रोड मिला जो कि हमको लगता है कि उधर गाँव जाने के लिए मुख्य मार्ग वही है जी, उस मार्ग में पूरा कीचड़ पड़ा हुआ है, क्या उस सबका विकास कर पाएंगे? सबसे पहला प्राथमिकता मेरा वही होगा, रोड और स्वास्थ्य केंद्र और किसान के लिए कोऑपरेटिव चालू करेंगे। अच्छा, किसान वर्ग, आप बोल रहे हैं किसान वर्ग, आपके क्षेत्र में ज़्यादातर किसान ही हैं, किसान वर्ग अभी खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, इधर से उधर 265 रुपये के खाद जो मार्केट में ब्लैक में अगर लेता है या कोई दूसरा खाद खरीदता है तो लगभग 450 रुपये उसको पड़ता है, 265 रुपये का। क्या आप इसको बंद करवा पाएंगे अपने पंचायत में? बिल्कुल बंद कराऊंगा, कॉपरेटिव स्टार्ट करते ही मैं इसको बंद करा दूंगा ब्लैक में अपने पंचायत में। अच्छा, एक कड़ा सवाल है लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए जिला परिषद हो या फिर मुखिया हो ये 20 लाख रुपया खर्च करता है, ये सच्चाई है बिहार का, कागज पे ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये बिहार का धरातल का ये सच्चाई है। आप कितना खर्च करते हैं ईमानदारी से बताइए? हमारा पंचायत तो बिल्कुल छोटा है और 1.5 किलोमीटर रेंज में है, हम लोग पैदल ही काम करते हैं अधिकतर, और जहाँ तक पेट्रोल और पैसे की बात है उतना कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ जनता है जो कि खाना भी खाना के लिए अगर पड़ता है तो अपने घर जाके खाना खा लेता है, और बिल्कुल हम लोग पैदल कुछ मोटरसाइकिल 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में जाके हम लोग काम कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं है, 10-20 हज़ार में भी हम लोग काम करते हैं। 10-20 हज़ार में चुनाव लड़ जाएगा? पक्का। अच्छा ये बताइए, और एक बात सच्चाई है कि बिहार सरकार भत्ता के रूप में मुखिया को 2500 रुपया देता है, ये सच्चाई है, और 2500 रुपया में किसी मुखिया का भरण पोषण नहीं हो सकता है। अगर मजदूर का भी अगर हम बात करते हैं तो वो भी 200 रुपया पर डे कमाता है, यानी महीने का 6000 रुपया कमाता है। आप ये बताइए कि 2500 रुपये में 2500 रुपये में आप अपना जीवन यापन कैसे? हमको जनता का सेवा करना और हमारा छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से हमारा पहले कैसे भरण पोषण हो रहा है, उस 2500 रुपया से हमको कोई लेना देना नहीं, वो 2500 रुपया भी और पकड़ से लगाना पड़ेगा, मिला के हम जनता के सेवा में लगे रहेंगे। बिल्कुल क्या और फिक्र नहीं किएगा? नहीं नहीं, लूटना फूटना वो सब बात छोड़िए, जो सब कोई बात हमारे साथ नहीं। अच्छा, एक और सवाल है, आपके यहाँ तो बहुत सारा मुद्दा है जनता के बीच रखने का, सबसे प्राथमिक मुद्दा क्या है जब आप जाते हैं क्षेत्र में, सबसे प्राथमिक मुद्दा जो कि इस पंचायत को सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या है सर? कोई मुद्दा विकास का यही मुद्दा है, हमारे गांव में एक हाट है जो वो भी मृत प्राय नवशेड है, वो तरह से नाला के रूप ले लिया है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है, उसमें बैठने का जगह नहीं है, ये सब विकास का बड़ा बड़ा काम है, हाट है, स्वास्थ्य केंद्र है, कोऑपरेटिव है, रोड है, नाला है, ये सब मेरा पहला विकास का मुद्दा रहेगा और मैं इसको बना के
जी बिल्कुल सही बात है। इस पंचायत में सबसे बड़ा अगर विकास का मुद्दा अभी तक नहीं सफल हो पाया है तो वो ये हाट है। अगर आप यहाँ जाएंगे, कभी हाट लगता है तो वहाँ अगर जाएंगे, वहाँ देखने का कोशिश करेंगे, बरसात के समय में लोग कीचड़ में घुसते हैं और कीचड़ में घुस करके सामान की खरीदारी करते हैं। इस पंचायत का सबसे बड़ा विकास का मुद्दा वो है। जनता से हमारी एक सबसे बड़ा अपील है कि आप एक विकसित पंचायत बनाने का कोशिश करें।